कहते हैं यदि कोई व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहे तो उसे किसी अलग से प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। वो अपने बलबूते पर किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी रहकर ऐसा कार्य कर सकता है। कुछ ऐसा ही आज भिवानी शहर में भी हुआ। भिवानी के त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने आज से बीपीएल परिवारों के लिए दंतोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करने उपायुक्त महोदय अंशज सिंह व चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी राजकुमार मित्तल पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे उपायुक्त अंशज सिंह ने कहा कि त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने आज तक भिवानी के लोगों को बहुत ही अच्छी सर्विस दी है, आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्लिनिक की तरफ से चलाए जाने वाले दंतोत्सव कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है, इससे शहर के बीपीएल परिवारों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपने सामान्य हेल्थ चेकअप तो करवाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल चेकअप की जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है। ऐसे में लोग दांतों में कोई भी समस्या पैदा होने के बाद ही चेकअप करवाते हैं। दंतोत्सव कार्यक्रम के द्वारा लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी फैलेगी। नॉर्मल हेल्थ चेकअप के बारे में पॉपुलरिटी तो है, लेकिन ओरल हाइजीन एंड ओरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो इसके इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर दांत नहीं है तो फिर आपका स्वास्थ्य सीधा सीधा अफेक्ट करेगा, आपका खाना ठीक से नहीं हो पाएगा, तो इनडायरेक्टली हेल्थ को आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में अगर ये अवेयरनेस इस माध्यम से कर रहे हैं ताकि सभी लोग जागरूक हों, एक बहुत अच्छी पहल है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी राजकुमार मित्तल ने कहा कि त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसे कार्यक्रम आम आदमी में भी काफी जागरूकता लाते हैं। उन्होंने कहा कि दंतोत्सव कार्यक्रम से लोगों को सस्ता इलाज मिल सकेगा, इस कार्यक्रम के लिए वो बधाई के पात्र है। हॉस्पिटल ने जो आज कार्यक्रम किया दंत चिकित्सा के बारे में, डेंटल अवेयरनेस के बारे में, ये हॉस्पिटल एक अद्भुत काम कर रहा है। इससे लोगों में दंत चिकित्सा के बारे में अवेयरनेस होगी, हेल्थ केयर बढ़िया होगा, बीपीएल फैमिली है के लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा। इस मौके पर डॉक्टर जया और डॉक्टर कपिल ने कहा कि आज उनके क्लिनिक को 9 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने अपने क्लिनिक में दंतोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो परिवार महंगा इलाज होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा सकते, वो इस कार्यक्रम के तहत सरकारी खर्च जितना ही पैसा देकर अपना इलाज करवा सकते हैं। इस स्कीम में बीपीएल परिवारों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने अपने ओपीडी टाइम में सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे का समय रखा है। उन्होंने बीपीएल परिवारों के बारे में बताते हुए कहा कि वो अपने इलाज के लिए निजी अस्पतालों में नहीं जा पाते। इस कार्यक्रम में उन सब परिवारों को अपना इलाज करवाने का मौका मिलेगा। आज का कार्यक्रम पिछले सालों की तरह दांतों की जानकारी देने के लिए किया गया है। इसमें आम लोगों को दांतों में होने वाली बीमारियों और सावधानियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में ओपीडी सेवा बिल्कुल निःशुल्क रहती है तथा इसमें दांतों के बारे में कोई भी आकर सुझाव ले सकता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक स्माइल प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गई थी, उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी आज सम्मानित किया गया है। आज हमारे क्लिनिक को 9 साल पूरे हो गए हैं और हर साल की तरह हमने ये कैंपेन जो डेंटल अवेयरनेस शुरू किया है, 1 वीक के लिए हमने फ्री ओपीडी कैंप शुरू किया है। प्लस हमने एक नई स्कीम शुरू की है जिसमें बीपीएल फैमिलीज, वो फैमिलीज जो सोचते हैं कि हम प्राइवेट क्लिनिक में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, वो आएँ और अपना CGHS रेट लिस्ट पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये एक तो डेंटल अवेयरनेस कैंपेन है जिसको हम हर साल करते हैं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक, क्योंकि NABH मान्यता प्राप्त है। इस कैंपेन में हम जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारी ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं और जिसको भी कुछ सुझाव लेना है वो आके हमसे निःशुल्क सुझाव ले सकते हैं।